आप राजस्थान वनपाल परीक्षा का बिना SSID के बिना एप्लीकेशन नंबर के अपना एडमिट कार्ड कैसे निकाल सकते हो, आपको कंप्लीट बताऊंगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके पास SSID तो आप इस वीडियो के देखकर आसानी से अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। अगर आपके पास SSID नहीं है, एप्लीकेशन नंबर है, तो आप इस वीडियो को देखकर अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। अगर आपके पास दोनों भी नहीं है, SSID भी नहीं है, आपके पास एप्लीकेशन नंबर भी नहीं है, तो आप अपना एडमिट कार्ड कैसे निकाल सकते हो, इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट बताऊंगा, जिससे आपका भी 100% एडमिट कार्ड निकल जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या, उसके लिए आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना। इस तरीके से आप, मैं आपको बता दूं, आप अपने मोबाइल से भी निकाल सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आपको इस तरीके से कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना, उसके बाद में सर्च बार में यहाँ पर आपको टाइप कर देना RSMSSB और सर्च आपको कर देना। जैसे सर्च करोगे ऊपरी ऊपर इसकी ऑप्शन साइट आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर, तो आपको RSMSSB लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद में ऑप्शन पेज इस तरीके से ये देखने को मिल जाता है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाए, इसको आपको यहाँ से क्रॉस आपको कर देना। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट, ये आपको भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ऐसा पेज आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। वीडियो को पूरा कंप्लीट आपको वॉच करना, मैं आपको बता रहा हूँ आपका 100% बिना SSID बिना एप्लीकेशन नंबर के एडमिट कार्ड निकल जाएगा। तो ऐसा पेज मिलने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपको देख लेना, इस तरीके से रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद में ऐसा पेज आपको देखने को मिलने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे आ जाना। यहाँ पर थोड़ा सा आप जैसे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो इस तरीके से। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं आपको हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो 11/11/20 को आपको यहाँ पर देख लेना, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट गार्ड 2020। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके सामने यहाँ पर लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन, आप देख सकते हो। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे क्लिक करोगे तो ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से ऐसा पेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे, उसके बाद में यहाँ पर आपको देख लेना। यहाँ पर आपको बता दूँ ऐसा पेज मिलने के बाद में अब आपके पास SSID भी नहीं है, एप्लीकेशन नंबर भी नहीं है, तो अपना एडमिट कार्ड कैसे निकालोगे, यहाँ पर आपको बता दूँ। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो गेट एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, SSID नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आपको मिल रहा है यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन, ये आपको देखने को मिल जाएगा व्यू एप्लीकेशन। तो आपको व्यू एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट कर लेना, वेट करने के बाद में ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो व्यू एप्लीकेशन, इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो फॉरगेट एप्लीकेशन ID का, यहाँ पर फॉरगेट एप्लीकेशन ID, इस पर आपको क्लिक कर देना। फॉरगेट एप्लीकेशन ID पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऐसा पेज आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको बता दूँ, आप तीन तरीके से यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर निकाल सकते हो। एप्लीकेशन नंबर निकलने के बाद में आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कम्प्लीट। तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन नंबर निकलेगा 100%। उसके लिए यहाँ पर आपको, अगर आप नाम से निकाल रहे हो तो यहाँ पर आपको इसमें आपको यहाँ पर कैंडिडेट नाम आपका नाम डाल देना, इसमें आपके पिताजी का नाम डाल देना, उसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है यह डाल देनी है। ये कैप्चा आपको देखने को मिला नंबर, इसमें एंटर द टेस्ट गिवन, इसमें यह डाल देना। अगर आप दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं मोबाइल नंबर से, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, इस पर टिक मार्क लगा देना। यहाँ पर जैसे टिक मार्क लगाओगे तो यहाँ पर जो आपने फॉर्म में अप्लाई किया था उसमें मोबाइल नंबर जो डाले यहाँ पर आपको डाल देना। यहाँ पर ड्यू भी डाल देनी है, इस कैप्चा में नंबर आपको डाल देना। गेट एप्लीकेशन ID पर जैसे क्लिक करो एप्लीकेशन नंबर निकल जाएगा। अगर आपको पता नहीं आपने कौन से मोबाइल नंबर डाले तो आपको सिंपली नाम से यहाँ पर सर्च कर लेना। यहाँ पर जैसे मैं नाम डाल देता हूँ, पिताजी का नाम डाल देता हूँ, DO भी यहाँ पर डाल देता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया, इस तरीके से नाम डाल दिया, पिताजी का नाम डाल दिया, उसके बाद में आपकी DO भी डाल दी। एंटर द टेस्ट गिवन, इसमें ये कैप्चा आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको ये डाल देना। उसके बाद में आपको करना क्या, गेट एप्लीकेशन ID, आप देख सकते हो यहाँ पर गेट एप्लीकेशन ID आपको देखने को मिल रही है। गेट एप्लीकेशन ID, इस पर आपको क्लिक कर देना।
इस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आईडी आपको देखने को मिल जाएगी, आपके एप्लीकेशन नंबर जो भी आपके वनपाल के फॉरेस्ट के एप्लीकेशन नंबर है आपके पर देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर फॉरेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर ये एप्लीकेशन आईडी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर ये रेड कलर में आपको ये आपकी एप्लीकेशन आईडी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ से जो भी आपकी एप्लीकेशन आईडी, इसको आपको यहाँ से लिख लेना या कॉपी कर लेना। इस तरीके से आपको यहाँ से आपकी एप्लीकेशन आईडी मिल चुकी है। अब आपका एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा वो आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप होम पर क्लिक कर देना। होम पर जैसे क्लिक करोगे इस पेज पर आप आ जाओगे। यहाँ पर जैसे दोबारा से मैं होम पर क्लिक कर देता हूँ। होम पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आप आ जाओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद में आपको करना है गेट एडमिट कार्ड, गेट एडमिट कार्ड इस पर आपको क्लिक कर देना। अब आपके यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मिल चुके हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर इसमें यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल देना। उसके अंदर डी ओ बी यहाँ पर डाल देनी और टेस्ट गन में एक कैप्चा आपको देखने को मिल रहा, कैप्चा डाल देना और गेट एडमिट कार्ड इस पर आपको क्लिक कर देना, आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। यहाँ पर ही मैंने पहले वीडियो बना रखा, अगर आपका पर पता नहीं तो कैसे आप डालोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, इसमें मैंने बताया हुआ कि आप बिना एस एस ओ आई डी के एप्लीकेशन नंबर से कैसे निकाल सकते हो। तो यही प्रोसेस से मैंने निकाला, एप्लीकेशन नंबर आपको डाल देना, मिल चुका, आप आसानी से डाल सकते हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। आपकी ड्यू भी डाल देनी है, यहाँ पर एक टेस्ट गेम में कैप्चा डाल देना, गेट एडमिट कार्ड आप पर क्लिक कर देना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको ये वीडियो वॉच कर लेना, जिससे आपको आसानी हो जाए, ज़्यादा यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपके एप्लीकेशन नंबर डाल के, ड्यू भी डाल के और यहाँ पर ये कैप्चा डाल के गेट एडमिट कार्ड जैसे क्लिक करोगे आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट बिना एस एस ओ आई डी बिना एप्लीकेशन नंबर के आप अपना एडमिट कार्ड कैसे निकाल सकते हो, मैंने पूरा का पूरा अच्छे से आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल के लाल वाले बटन को दबा कर जरूर, धन्यवाद।